सकता है जिसने एटलीस्ट इंटर बैचलर किया हो, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब सियासी है ये। अब पहले पहले क्या था, तालीम नहीं होती थी। अब शर्म ने आगे जो ग्रेजुएशन कर दी, सारे नकली डिग्रियां लेने की तरफ भाग पड़े। तो पहले दौर में एजुकेशन होती नहीं थी, लाहौर जाना पड़ता था, लाहौर वैसे ही नहीं जाते थे, जिनकी 25 किले जमीन है उस दौर में ज़राअत का काम ज्यादा होता था। तो कहते क्या करना है, पढ़ के लाजमी बनना है या बिजनेस होता था, जो भी वट एवर। तो बहुत कम लोग, पहले लोग पकड़ पकड़ के बैठाते थे, ये फौज में आते थे, फौज गाँव में जाते थी, बड़े जवान थे उनको जो उधर से ले जाते थे, स्कूलों में डिग्री कॉलेज में हो जाती थी और वहाँ पर जी उनकी मेजरमेंट करती थी, इधर से ले जाती थी। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीटें खाली होती थी, बंदे नहीं होते। ये 1960-70-80 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स के दौर में। इस टाइम वो जवान थे, उस टाइम अपॉर्चुनिटी का क्या फिर उस दौर में मैंने देखे हैं। आज के लगे हुए टीचर वो मिडिल पास है, जो टीचर आज जो है ना पैसे एक मिनट बाद पहला ऑर्डर जिला पूरा कर दे, मैट्रिक पास है जो नया ऑर्डर की है मिडिल पास है, ठीक है। कोई पोस्ट में रजिस्टर ना है नहीं, ये प्राइवेट ही आ गया सर, पता नहीं नंबर कितना लग गया। और ये जितने पूरे पूरे डॉक्टर है उनकी बड़ी मेहनत है, स्कोर में मार्क्स के कम है। क्या आप इन बाजू चौक पे डॉक्टर देखा होगा, उनके के लिए साइड पे। अब उसके 623 की कितने नंबर है उस दौर में, उस दौर में उसने नस्टर में दाखिला लिया, एमबीबीएस ले लो, एमबीबीएस करके आ गया, वो अगली साइड पे है ना टेंथी के साथ, ये डॉक्टर बैठा होगा, ठीक है। तो इस तरह करके था पहले, मेरिट मोरिट भी बहुत कम था, ये है वो है, नहीं पड़ता, ठीक है। और मैंने एक अखबार देखा 1985 का के 90 का, उसमें एक बच्चे का आया हुआ है, इसने ना 800 में से ना 460 नंबर लेंगे ना जी, वो पोजीशन हासिल की है इसका, ठीक है। इतने नंबर ले क्या क्या सही है।
और ऐसे ना बातें जी मैंने कई देखे हैं। अगले दिन एक बंदा आ गया मेरे पास, वो कहता है जी मेरे बच्चे ने ना, मेरा बच्चा बड़ा लाडला था, लाहौर में दाखिला ले लिया है। अब वो कलर कहता था यार मैं उसकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके हॉस्टल के एक्सपेंस से मैं डील कर। अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे ने एक्सपेंस वहाँ पे कर लिया है, अब हम टोटली इतने बाहर हो गए कि हम फी पे नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे गए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऊपर से पढ़ा लेते बच्चे को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा लेते या ओबाड़ा यूनिवर्सिटी एजेंट से पढ़ा लेते, क्योंकि इससे कम है। क्योंकि लाहौर पे इंडिया का क्या सीन है, जब यहाँ पे ये सारा कुछ सस्ते में मिल रहा है तो लाहौर जाने का क्या फायदा। लाहौर भी तो ऐसी तालीम है, लाहौर को ना आपको ज्यादा पढ़ा देते हैं, यही सिलेबस है, यही सारी चीजें हैं वहाँ पे, बस रिक्वायरमेंट एडवांस होगा और क्या क्या क्या। तो फिर वो कहने लगा जी मुझे कोई हल बताया। मैंने कहा जब सिंपल से ये बीयू में यही कोर्स आप बीएस करवा दें, 18,000 फीस है उसकी पर सेमेस्टर की, या सॉरी 12,000 की, 13,000 पर सेमेस्टर फीस है, 4 साल में आपकी डिग्री हो जाए। और जो मैदान जीतना है वो टैलेंट के बेस पे जीता जाएगा, उसमें ये नहीं है कि बीयू से पढ़े हो गए हो, ओपन से पढ़े हो गए, इलामा इकबाल से पढ़े हो। अब आज से पहले लोग सारी सारी दुनिया ये ओपन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई है, कोई दिखाओ मुझे कोई, जितने टीचर हैं सारे ओपन से पढ़े हुए हैं, ठीक है, सबने बीएड वहां से किया हुआ है। और जो आज से इतने साल पहले एमफिल करे हुए हैं टीचर, जो आगे आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे ओपन से ही तो पढ़े हुए हैं। ओपन के अलावा कोई डिग्री और कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं जो ऐसे सर्व करे, या ये मेन यूनिवर्सिटियाँ थी सवाई पंजाब यूनिवर्सिटी या कायदे आजम है, इनकी तरफ लोग जाते नहीं थे या कोई ऐसा सिस्टम होता था, ये चीजें मैटर करती है ना। तो डिग्री भाई मैटर करती है, डिग्री आपको आगे लेके जाती है किसी भी मुकाम पर, क्या क्या, इसलिए डिग्री चाहिए, डिग्री का होना लाजमी है, इसलिए डिग्री चाहिए। इसलिए किसी की बातों में आगे डिग्री को ना छोड़ दे, पैसा कमाना ये सारे ऊपर चलता रहेगा, पैसा का डिग्री का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में, क्या क्या। और ये भी मकसद नहीं होता कि ये पढ़ लिख के मैं जी जॉब करूंगा, ये से क्या क्या कमाया नहीं जाता। तो बातें पता कौन है जो एमबीबीएस करते हैं, और वो भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ज्यादा, खैर सरकारी भी ऐसे कर लेते हैं। सरकारी फीस कितनी है एमबीबीएस की, किसी को पता है कितनी? फर्स्ट सेमेस्टर सरकारी, हमारे ना मैं डॉक्टर शिवू लड़के पढ़ाता था, उसकी मिसिज देखती थी, वो मेरे को इससे तो कहती है हमारे बच्चे की फीस पता कितनी है एडवांस आता है, लेकिन कितनी थोड़ी इतनी कहते 3,000 का फीस, कितनी 3,000 की के एडवर्ड कॉलेज की, उसने मुझे बताई थी कि ये 2008 में के साथ में मेरी बच्ची ने ना एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो गए, उसमें बच्ची डीपीएस पढ़ती थी तो हम इतने पैसे पे करते थे, वो 3,000 में हम इस